हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो टुडे आई एम शेयरिंग माय डेली फूड रूटीन, व्हाट आई ईट एंड कुक इन अ डे। सो मेरी मॉर्निंग काफ़ी कड़वी बट हेल्दी स्टार्ट होती है, जिसमें मैं लेती हूँ सबसे पहले आंवला जूस। काफ़ी अच्छा डिटॉक्स ड्रिंक है ये, और विटामिन सी का काफ़ी अच्छा सोर्स है। और उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने ब्रेकफास्ट की ओर। ब्रेकफास्ट में बन रही हैं आज आलू प्याज की पकौड़ियाँ। आलू प्याज की पकौड़ियाँ जहाँ बन रही हैं, साथ में चाय भी हमारी रेडी है, तो चलिए एंजॉय करते हैं ये कुरकुरी पकौड़ियाँ। पकौड़ी खाने के थोड़ी देर बाद मेरे को थोड़ी स्वीट क्रेविंग हुई, तो उसके लिए मैंने खाई एक किटकैट जो कि फ्रिज में पड़ी हुई थी। फिर दोपहर का टाइम हो गया और ये टाइम था हमारा लंच बनाने का, तो लंच में मैंने बनाई थी अरहर की दाल। सबसे पहले हमने ऑयल गरम किया, उसमें जीरा हींग डाला, फिर उसमें टमाटर, हरी मिर्च और अदरक ऐड कर दिया, थोड़ा सा उसको रोस्ट किया। उसके बाद उसमें मैंने डाली हल्दी, नमक, मिर्च, मसाला और थोड़ी देर बाद कसूरी मेथी, और हल्का सा पानी डाल के उसको अच्छे से भून दिया। अब हम देख लेते हैं हमारी दाल अच्छे से बॉईल हो गई है क्या। तो दाल हमारी रेडी है, तो चलिए इसको मिक्स कर देते हैं हम अपने मसाले में। मसाले में इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद एक दो बॉईल आने दें, एक दो बॉईल जैसे आ जाएंगे तो दाल हमारी रेडी हो जाएगी। लीजिए हमारी दाल भी तैयार है, अब खा लेते हैं उसको हम चावल और रोटी के साथ। थोड़ी देर बाद फिर से मेरे पेट ने कहा कि चलो अब इसमें कुछ डालो, तो हमने फ्रूट खाया। फ्रूट में हमने खाई मौसमी। मौसमी को खाने में इतना टाइम नहीं लगता एक्चुअली, जितना इसको रेडी करने में लग जाता है। रेडी करने में इसको 10 मिनट तो लग ही जाती हैं। फिर उसके बाद मुझे तैयार करना था शाम के लिए प्रसाद, जो कि मैं मंदिर में लेके जाने वाली थी। उसके लिए मैंने बनाया था आटा का साग। सबसे पहले मैंने घी गर्म किया और उसमें डाल दिया 1 कटोरी आटा। इसको अच्छे से रोस्ट किया, लो फ्लेम पर ही इसको रोस्ट करें ताकि बहुत ही अच्छा कलर और टेस्ट आए इसका। फिर जब थोड़ा सा ये रोस्ट हो जाता है, फिर इसमें हम डाल देते हैं ग्रेट किया हुआ कोकोनट एंड ड्राई फ्रूट्स। कोकोनट को हम बीच में ही ऐड करते हैं ताकि ये भी आटे के साथ अच्छे से रोस्ट हो जाए। अब इसको थोड़ी देर ठंडा करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे पाउडर शुगर एंड कुछ तुलसी लीव्स। फिर हम मंदिर गए, मंदिर से वापस आए आने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगी थी, तो मैंने लिया एक जीरा ड्रिंक, और उसको पीने के बाद ही हमारी डिनर की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। डिनर में आज थी आलू टिक्की, तो सबसे पहले मैंने आलू टिक्कियों को बहुत ही कम ऑयल में फ्राई कर लिया, और उसके बाद मैंने इनको प्लेट्स में लिया। सबसे पहले डाली दही, थोड़ी सी इमली की चटनी। इमली की चटनी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसलिए वो हमेशा ज़्यादा ही डालती हूँ। फिर मैंने इसमें डाली थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक, जीरा पाउडर और पुदीने का पाउडर, फिर थोड़ी सी दही और खटाई ऊपर से और डाली। एंड उसके बाद हमने रेडी की थोड़ी सी दही पूरी, काफ़ी टेस्टी थी ये भी। फिर हमारे सोने का टाइम हो गया, तो मैं दूध पी के सो गया। गुड नाइट, बाय बाय।